الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر صدق الله العظيم अल्लाह ताला ने ये जो कायनात तखलीक की है, इस तखलीकी कायनात के मुताबिक खुद पैदा करने वाला ये कहता है कि वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया के अंदर नजर आने वाले वो तमाम हकाइक जिनको तुम हकीकत समझते हो वो सारा का सारा धोखा है। आदमी अपनी आंख से देखता है आग को जलता हुआ, तो आदमी समझता है कि ये हकीकत है, ये जलती हुई आग आग है, मगर हकीकत में वो धोखा होता है अगर दज्जाल के हाथ में चली जाए। आदमी अपनी दुनियावी आंख से देखता है कि रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना नजर आता है, तरह तरह के खुशबू वाले फूल लगे हुए हैं, बड़े बड़े मैदान नजर आ रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या मनाजिर नजर आ रहे हैं, मगर ये धोखा है। तो खुलासा ये कि देखी जाने वाली तमाम चीजें हकीकत नहीं है, वो धोखा है। अब अगर कोई आदमी आईने में देखता है तो उसने कहा यार मेरा जो चेहरा है, आईना होता है, आईने की डिजाइन बनाई जाती है, आईना की डिजाइन अगर ऊपर से बनाई जाए तो आदमी अलग टाइप का दिखता है, अगर अंदर आईने की डिजाइन बनाई जाए आदमी अलग टाइप का दिखता है। तो आईने की डिजाइन होती है जिससे आदमी का अक्स बदल जाता है। पहला गुजरा, कहा कि पता नहीं मैं तो बहुत मोटा हो गया हूँ या नाटा हो गया हूँ। उसने अफसोस किया कि हाय हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ के साथ। उसी आईने के सामने से दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा, पांचवा गुजरा, हर कोई ये शिकायत कर रहा है कि मेरी जात के साथ कोई मसला है। ये तमाम गुजरने वाले जब गुजर जाएंगे और सर जोड़ कर बैठेंगे तो वो पाएंगे कि नुक्स हमारी जात में नहीं है, नुक्स सामने वाले आईने में है। जो अक्स बतलाने वाली जो चीज है यानी इंसान की दो आंखें, हकीकत में यही धोखा है। खुला बंद है, बंद खुला है। अब आदमी खुले को खुला समझ रहा है और बंद को बंद समझ रहा है। अकलमंदी ये है कि खुले को बंद समझा जाए और बंद को खुला समझा जाए। अब ये एक ऐसी चीज है कि जिस चीज तक रसाई अगर बंदा हासिल करना चाहे तो आसान नहीं कर सकता है। यानी अगर मैंने कह दिया कि भाई मेरी आंखें तो खुली है मगर हकीकत में ये बंद है, मैंने यकीन कर लिया, मेरी आंखें बंद हो गई जिस दिन, उस दिन हकीकत में मेरी आंखें खुल गई, मैंने यकीन कर लिया, तो इसका ताल्लुक दावे के साथ नहीं है, क्योंकि बहुत से दावे दिलों की सदाकत से खाली होते हैं और कोई भी दावा दिलों की सदाकत से खाली हो। इसलिए बाज़ अल्लाह वालों ने लिखा है कि ईमान अकीदे में तौहीद और आमाल में सुन्नत का नाम है। कि अकाइद सारे के सारे वो दावा करता है कि ये है वो है वो है, सब कुछ दावा करता है मगर दिल के अंदर पुख्तगी नहीं है। वहदानियत कल्बिया उसके सीने के अंदर जो गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है उसमें नहीं रची बसी है। इस आदमी के ईमान का क्या एतबार है, लाख को ईमानी दावे कर ले। तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि हम जो इस दुनिया में आए हैं हकीकत के साथ नहीं आए, धोखे के साथ आए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहा कि धोखा है। एक ऐसी हकीकत है इसकी कि अगर उसकी मिसाल बयान की जाए तो हमारे किचन का वो कपड़ा कि जिसके जरिए से गंदगी को साफ किया जाता है, उतनी हैसियत भी अल्लाह की निगाह में इसकी नहीं है। ये मता का माना है कि इतनी भी हैसियत अल्लाह की निगाह में इसकी नहीं है। जब इसकी इतनी भी हैसियत नहीं तो हम आए क्यों दुनिया में, अल्लाह ने हमें भेजा क्यों,
मकसद ठीक है इबादत करना, मकसद ठीक है अल्लाह को पहचानना, मगर हासिल क्या? पूरा दिन में मजदूरी करूंगा, भाई सेठ साहब का तो काम होगा, उनकी इताअत तो हो जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? आदमी सवाल करता है कि अल्लाह की इताअत हो जाएगी, अल्लाह की मैं बंदगी करूंगा तो कोई अल्लाह की किबरियाई में इजाफा नहीं होगा, मगर इताअत तो बहरहाल हुई, अल्लाह को मानना तो बहरहाल हुआ, तो ये तो ठीक है, मगर मुझे क्या मिलेगा? तो अब हमें ये धोखा लगा हुआ है कि आमाल और ईमान का जो सीला है, चाहे जन्नत हो, चाहे जन्नत में जो जुज़वी नेमतें हैं, हौरों की शक्ल में, नहरों की शक्ल में, बागात की शक्ल में, सवारियों की शक्ल में, सारा का सारा वगैरह वगैरह, तो हम ये समझते हैं कि ये अजर है, ये बदला है। बहरहाल ये बदला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फजल है। बदला तो उसको कहा जाता है कि जो इस्तेहकात में मिले कि मैं मुस्तहिक था इसलिए मुझे मिला है, मैं मुस्तहिक था। कुराने पाक में जहां सूरह जुमा का तस्किरा है, जुमा का अहकाम का तस्किरा है सूरह जुमा के अंदर, वहां अल्लाह ने क्या कहा कि जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए, फंतशिरू फिल अर्दि वबतगू मिन फज़लिल्लाह, के दुकान पर तुम बैठोगे जुमा की नमाज के बाद, रेडी तुम लगाओगे, कारोबार की शक्ल इख्तियार तुम करोगे, मगर ये फजल के तौर पर मिलेगा, इस्तेहकात के तौर पर नहीं मिल सकता है। यानी तुम जुमा के बाद बैठ गए तो तुम मुस्तहिक हो ही गए। बहुत से बैठने वाले सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो रोजी जिस तरीके पर फजल है, इस तरह आमाल का सीला भी फजल है, मगर क्या ये मकसूद भी जात है? जन्नत का मिल जाना क्या मकसूद भी जात है? एक आदमी को फोड़ा निकल आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो छाला पड़ गया है उसके जिस्म के ऊपर, ये छाला एक बीमारी है मगर उसकी बुनियाद अंदर का कैंसर है, डॉक्टर ने ये कहा। तो उसने क्या किया कि एक जरा सा 70-80 रुपए का मेडिकल से ट्यूब निकाला और उसके ऊपर मालिश करना शुरू किया, जिसकी वजह से ऊपर का छाला बंद हो गया, उसने समझ लिया कि ये हो गया। तो मकसूद ये नहीं कि छाला बंद किया जाए, मकसूद ये है कि अंदर को खत्म किया जाए। तो क्या जन्नत का मिल जाना ये मकसूद? आमाल के सीला औरों की शक्ल में, नहवर नहरों की शक्ल में, वगैरह की शक्ल में मिल जाना ये मकसूद नहीं। अकबर के मकसूद भी साथ अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा के साथ आग भी बाग है, और अल्लाह की रजा के बगैर जो हमारा बाग है वो भी आग है। क्यों? इसलिए कि वो मकसूद भी साथ है। वुजू करना ये मकसूद भी साथ नहीं है, नमाज की अदायगी के आले के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जन्नत में दाखिल हो जाना ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल अल्लाह की रजा है। जब आदमी को ये इस्तेहजार हो जाएगा, तो उलमा ने लिखा है कि मोटे मोटे तौर पर चार सिफतें उसमें पैदा हो जाएगी, ये इस्तेहजार कि मेरी जिंदगी का मकसूद अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा, नमाज पढ़ लेता हूं मैं, मगर जब अल्लाह की रजा मकसूद है तो नमाज को कायम करना पाया जाएगा, अदा करना पाया जाएगा। इकरा-उस-सला कहीं नहीं कहा, अकीम-उस-सला नमाज कायम करो, ये इकामत है, ये जकात को अदा करते हुए तहारत का इस्तेहजार है। उन सब चीजों की बुनियाद इस बात पर है कि हमारा मकसूद भी ज़ात अल्लाह की रजा हो। इसीलिए ये कई मरतबा ये मकबूला में यहां पर सुना चुका हूं कि आदमी जो आजकल जो खराबी पाई जाती है, आमाल करते हुए खराबी पाई गई, तो कोई आदमी जीना करे और हम ये कहें कि बुरा काम कर गया, ये हमारी हमाकत है। जीना तो बजा दे खुद बुरा काम है, मगर किसी ने किसी से कहा कि तूने नमाज पढ़ी, कहा कि पढ़ी, इस्तेहजार था, कहा कि नहीं था, कि तूने बुरा काम किया, तो यह अकलमंदी है कि बे इरादगी और बे नियति के साथ कि हमारी कोई मंजिल मकसूद है ही नहीं,
उसके बगैर लाख नमाजें हम अदा कर ले, हमारा मकसूद भी जात ही वाजे नहीं है, हमारी मंजिल ही वाजे नहीं है। तो अल्लाह की रजा ये हमारी मंजिल है, अल्लाह की रजा। इसीलिए कहा कि जन्नती लोग जब जन्नत में चले जाएंगे तो जब अल्लाह की रजा का परवाना सुनेंगे सारी मिली हुई नेमतों को वो भूल जाएंगे। क्या वो मिट्टी के महल होंगे इसलिए भूल जाएगा? नहीं, वो तो लुलू मोती मोतियों के बने हुए, सब्ज हरे मोतियों के बने हुए महल होंगे, कई कई नहरें उसके जलपाक से निकलती होगी, और नजर आने वाली मसाफत को छोड़ो 100 साल एक तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाया जाए, जितनी मसाफत वो तय करेगा उतनी मसाफत का तो फकत उसके बाद के दरख्त का साया होगा। तो इतनी बड़ी जन्नत को भूल जाना कोई मामूली बात है? कब? जब अल्लाह की रजा का परवाना। तो अल्लाह की रजा ये मकसूद भी ज़ात है। जब आदमी हर अमल में अल्लाह की रजा को मकसूद भी ज़ात बनाएगा तो चार सिफतें बुनियादी तौर पर आएगी, और इन चार सिफतों को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये बुनियाद है आदमी के कल्ब में मकसूद भी ज़ात का इस्तेहजार पैदा करने के लिए, अल्लाह की रजा का इस्तेहजार पैदा करने के लिए ये बुनियाद है। अगर ये है तो समझो कि उसका उसकी मंजिल अल्लाह की रजा है। अगर ये चार सिफतें नहीं पाई गई समझो कि ये आदमी बस कुछ माती चीजों के लिए आमाल कर रहा है। तो पहली चीज, सबसे पहली बुनियादी चीज इंसानियत है। इंसानियत मुकद्दम है ईमान के ऊपर। इंसानियत, इंसानियत यानी जिसको अंग्रेजी के अंदर ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, इंसानियत क्या है? वो एक ऐसा खासा है कि जो अफराद को अफराद से जोड़ने वाला वस्फ है। भैंस कभी भैंस की रियायत नहीं करेगी, वो सींग मारकर उसका खाना खा जाएगी, मगर इंसान के अंदर एक खासा है कि 15 इंसान अगर साथ में चल रहे हैं, ये मिसाल मैं पहले दे चुका हूं कि 15 इंसान अगर साथ में चल रहे हैं, किसी को पैर में तकलीफ हुई, बाकी 14 इसलिए खड़े हो जाएंगे कि 7वें आदमी को या 8वें आदमी को, एक आदमी को पैर में तकलीफ है। ये हादसा, इस हादसे से तमाम हैवानात आरी है। जब ये हादसा खत्म हो जाएगा तो आदमी के मोमिन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। वो आदमी ईमान ले आए वो रास्ता भी बंद हो जाता है। कुरान कहता है उलाइका कल अनआम वलहुम अज़ल, कि जब कुफ्फार मक्का ने अल्लाह के रसूल पर जुल्म करना शुरू किया और इंसानियत के हदों को पार कर दिया तो अल्लाह ने कहा कि अब तो ये जानवरों जैसे बल्कि जानवरों से भी बदतर है, कि जिस तरह जानवर के ईमान लाने की कोई उम्मीद नहीं क्योंकि वो मुकल्लफ नहीं है, ऐसे ही ये लोग बस अपने आप को जानवरों की फहरिस्त में डाल करके हमाकत का मुजाहरा कर रहे हैं। मालूम ये हुआ कि इंसानियत होगी तो सीने में नूरे ईमान उतर सकता है। आदमी लाख तहज्जुदे पढ़ ले मगर उसका सीना, उसके औसाफ इंसानियत से खाली है। या माल उसके लिए हो सकता है कि कुछ काम आ जाए, मगर जो बुनियादी तौर पर मुकम्मल काम आना चाहिए वो नहीं आ सकते हैं। इससे पहले हम अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। इसीलिए कुरान करीम जब नाजिल हुआ उस वक्त तो 1,24,000 का मजमा नहीं था। कुरान की जब कुरान का नजूल हुआ तो नुज़ूल होते वक्त पहले लोगों से एहसास दिलाया या अय्युहन नास, ऐ इंसानो तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो मेरी बात सुनो। या अय्युहन नास, ऐ इंसानो, इंसानियत पहले पैदा करो सीने के अंदर। अब इंसानियत क्या है? इंसानियत यह है कि मेरा भाई अगर मुझसे आगे बढ़ रहा है तो मैं हसद न करूं। इंसानियत यह है कि मेरी दुकान पर कोई आए तो मैं उसके साथ फ्रॉड न करूं। इंसानियत यह है कि मेरा कोई भी भाई, इंसानियत का ताल्लुक मजहब के साथ नहीं है। जिन जालिमों ने इंसानियत का ताल्लुक मजहब के साथ जोड़ा वो लोग यकीनन गलत राह पर निकल लिए। तो इंसानियत इंसानियत होती है, इंसान इंसान होता है, हम रियायत करने वाले बने। गली के कुत्ते अगर गली में, उनकी गली में अगर हम चले जाए, अगर वो भौंकते हैं और हम भी गली के कुत्तों की तरह हमारे अड़ोस पड़ोस में आने वालों को भौंकते रहे, न सलाम है न कलाम है न तारुफ है न पहचान है, तो फिर हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा?
इसलिए इंसानियत मुकद्दम है। इंसानियत होगी तो क्या होगा कि आदमी के सीने के अंदर रिफ्क पैदा होगा, नरमी आएगी, इंसानियत का एहसास। भाई मैं तो इंसान हूं, मैं क्यों जानवरों वाली हरकत करूं, मेरा पड़ोसी मुझसे क्यों दुखी हो, मैं फलाने के लिए। सबसे बड़ा मजहर अगर इंसानियत का है तो हम किसी गैर मुस्लिम माँ को उठा ले और उसके बच्चे को उठा ले, क्या ये इनका किसी मजहब से ताल्लुक है? नहीं है, फिर भी प्यार है, रहम है, मोहब्बत है। आप कहोगे माफ बेटे का, तो सबसे ये आला मजहर है, मगर अदना मजहर भी आपको वहां मिल सकता है। तो बहरहाल चीज ये है कि इंसानियत हम पहले पैदा करें। इंसानियत हम पैदा करेंगे तो फिर दूसरे नंबर पर नंबर आता है ईमान का। जब आदमी का दिल सख्त हो जाए, आदमी का दिल सख्त हो जाए, इतना सख्ता इतना सख्ता इतना सख्ता कि आदमी मुनाफकत में हद से तजावुज करता ही जा रहा है, इतना सख्ता कि ऊंट की ओजड़ी उठा करके नबी जी की पीठ पर रख देता है, तो फिर उसके ईमान के चांसेस खत्म हो जाता है, चाहे उसका मुबल्लिग पैगंबर ही क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल जिब्राइल, अल्लाह के रसूल दावत और तबलीग के खातिर, दावत देने के लिए, आप किताबों के अंदर उठाकर देख लो, अबू जहल के दरवाजे पर 2000 मर्तबा से जायद गए हैं, मगर क्यों मोमिन नहीं हुआ? मुबल्लिग पैगंबर से बेहतर कोई हो सकता है? हम जरा सी गश्त के अंदर निकलते हैं, किसी वगैरह के अंदर निकलते हैं, 2 मिनट की दुआ करके निकलते हैं तो कहते हैं असर दिखाया। हम इतने निकम्मे, फिर भी हमें लगता है कि हमारी दुआओं का असर हुआ, और पैगंबर जाए और अबू जहल ईमान न लाए। मगर आरी नंगे लोगों को जब लिबास पहना भी दिया जाए तो लिबास पहनने के बाद भी वो नंगे हैं, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि रुब कासियातिन आरियातिन यौमल कियामा, लिबास पहनने वाली अभी कयामत के करीब नंगी होगी। तो खाली ढांचा नहीं, शक्ल नहीं, इंसान का ताल्लुक दो कान से, नाक से, दो आंखों से, हाथ से, पैर से नहीं है, इंसानियत का ताल्लुक दिली कल्बी वस्फ और खासे से है। तो ईमान इंसानियत मुकद्दम है, फिर ईमान है, तब जाकर नूरे ईमान सीने में उतरेगा। जब ईमान आएगा तो तौहीद पुख्तगी आएगी और आमाल में सुन्नतों का इत्तेबा आएगा, तो क्या होगा? ज़ियादत मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपने आप को फना करने का जज्बा पैदा होगा। ये जज्बा अगर पैदा हो गया तो यकीन जानो बगैर किसी दावे के हम आशिके रसूल है, और अगर ये जज्बा पैदा ना हुआ तो लाख ढिंडोरा हम पीटे, हमारा इश्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए ज़ियादत मोहब्बत तीसरे नंबर पर, और जब ज़ियादत मोहब्बत आ जाएगा तो वसूल इलल्लाह, हम आखिरी सीना में अल्लाह की मुलाकात कर लेंगे, अल्लाह खुद कहेगा कि मेरे बंदे आ जा, तेरा तो मुझे भी इंतजार था। अल्लाह ताला ऐसा खात्मा हमें भी नसीब फरमाए। वाह।